फाइनली दोस्तों हमने एंट्री कर दी है, इंडिया ने एंट्री कर दी है 5G एरा में। जी हाँ, 5G लॉन्च हो चुका है। ओ माय गॉड, पहले जो 4 सिटीज है वो मेट्रो सिटीज होने वाले, उधर जो लोग रहते हैं वो 5G जो है बहुत जल्दी चख सकेंगे। जी हाँ, उनके फोन में 5G बहुत जल्दी आने वाला है। वैसे पहले फेज में 13 सिटीज वगैरह जिसमें पुणा भी है, आई एम वेरी वेरी हैप्पी। देखते हैं फाइनली 5G आ गया। 5G के बारे में इतना ज़्यादा बात कर रहे थे पिछले 2 सालों से, एंड फाइनली इट इज़ हियर। और इसलिए पहला सवाल यही लिया हुआ है कि व्हाई ब्रांड्स लॉन्चिंग 4G स्मार्टफोन्स राइट नाउ, सचिन फुल पगारे पूछते हैं। अब मैं आपको एक बात कहता हूँ दोस्तों, अगर आप दूसरे कंट्रीज के पास देखोगे, साउथ कोरिया, जापान, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं जहाँ पे 3-4 साल पहले 5G आ चुका है, लेकिन अभी भी 50% लोग 4G इस्तेमाल करते हैं। कहने का मतलब यह है कि 5G आने के बाद 4G चला नहीं जाने वाला है, इट इज गोइंग टू बी देयर। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा कि अगले 2-3 सालों में हार्डली 20-25% लोग जो है वो 5G लेंगे, और उसकी वजह से 80% जो है वो 4G ही इस्तेमाल करने वाले हैं। जिनको 5G बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ले लेंगे, याद रखिए। सो 4G इज इक्वली और इवन मोर इंपॉर्टेंट राइट नाउ, लेकिन अगले 2-3 सालों के बाद जो है स्मार्टफोन ब्रांड्स ने सब 5G फोन्स लॉन्च करने चाहिए। अभी 4G फोन्स आने चाहिए, क्योंकि क्या होता है 5G टैक्स लगता है, 5G थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है, बाकी के स्पेसिफिकेशंस जो है वो कम हो जाते हैं। इसीलिए 4G फोन अगर अभी आप लोगे तो बहुत अच्छे स्पेसिफिकेशंस के साथ आपको मिलेगा। सो दैट इज व्हाई ब्रांड्स आर लॉन्चिंग 4G फोन्स। आदित्य भट्टाचार्य पूछते हैं, लुकिंग एट रीसेंट स्वॉलन बैटरी डिफेक्ट्स, कुड यू सजेस्ट अ फ्यू मेजर्स फॉर हेल्थियर एंड लॉन्गर बैटरी लाइफ। वैसे हमने एक पूरा वीडियो किया हुआ है, डेडिकेटेड वीडियो किया हुआ है, बैटरी लाइफ कैसी आप बढ़ा सकते हो, ज़्यादा अच्छी तरह से बैटरी रख सकते हो, जरूर देखिएगा। लेकिन यही एक्सट्रीम कंडीशंस में आपको बैटरी में नहीं रखना है, ऑलवेज कीप योर स्मार्टफोन, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, उसका ध्यान रखिए। जब आप चार्ज करते हो तो केस निकाल के कीजिएगा ताकि हीट जो है वो डिस्पर्स हो जाए। तो ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें उस वीडियो में मैंने सब कुछ बताया, गो एंड वॉच दैट वीडियो, आई कार्ड में दिया हुआ है। अरबाज अरियान पूछते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लव यू अरुण दादा फ्रॉम वेस्ट बंगाल, माय क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्टेटस ऑफ रेडमी नोट 12 सीरीज, व्हेन इज इट कमिंग इन इंडिया। वैसे रेडमी नोट 12 सीरीज चाइना में लॉन्च होगा आई थिंक अक्टूबर में, उसके बाद में इंडिया में आने वाला है। एंड चाइनीज 12 सीरीज विल कम एज इंडियन वेरिएंट और विल इट बी डिफरेंट बिकॉज इट हैपेंड विद नोट 11 सीरीज। यार शाओमी के साथ कुछ नहीं कह सकते हैं, बट उधर जो फोन्स हैं इधर आएंगे सिर्फ थोड़े अलग नाम से आ जाएंगे, उतना मैं कहूंगा। आ जाएंगे, सभी आ जाएंगे, थोड़ा इधर उधर करेंगे आ जाएंगे, इट इज नॉट गोइंग टू कम विद द सेम नेम, हमने देखा हुआ है। सो हाँ, थोड़े अलग ही होंगे, स्लाइटली अलग होंगे, बाकी सब सिमिलर होंगे, 90% दिल बी सेम। रजत पूछते हैं, रेडमी K50i और रियलमी GT नियो 3T और iQOO नियो 6 और पोको F4 प्रायोरिटीज ओनली गेमिंग अंडर 30,000। रेडमी K50i 144 हर्ट्स की IPS स्क्रीन है, गेमिंग के लिए परफेक्ट है, सो यू कैन गो फॉर रेडमी K50i। सारांश जैन पूछते हैं, सर व्हाट इज योर ओपिनियन ई सिम, लाइक कैन इट बी रिप्लेस फिजिकल सिम स्लॉट और नॉट इन द फ्यूचर। ये पूछते हैं कि ई सिम रिप्लेस कर सकते हैं, आई थिंक दैट इज द फ्यूचर। धीरे धीरे फिजिकल सिम कार्ड स्लॉट निकल जाएगा, सिर्फ ई सिम ही होने वाला, जैसे US में अभी iPhones में फिजिकल सिम कार्ड स्लॉट है ही नहीं, सोचिए वैसे ही कुछ हो जाएगा, बट इट विल टेक 2-3 ईयर्स, टाइम है अभी, इंडिया में बहुत टाइम लगेगा। अमन पूछते हैं, क्रोमबुक वर्सेस नॉर्मल लिनक्स लैपटॉप्स, उबंटू वगैरह, या फिर इनमें से कौन सा बेटर है इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। मैं कहूंगा देखिए, क्रोमबुक का एक फायदा जरूर होता है, बहुत ही लाइट होता है, जो क्रोम OS है वो लाइट वेट होती है एंड अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं, वेर इज लिनक्स लैपटॉप इट इज अ लिटिल कॉम्प्लेक्स। क्रोमबुक में OS जो होता है वो इट इज लाइक एंड्रॉइड, तो बहुत यूजर फ्रेंडली है, तो उस हिसाब से मैं कहूंगा क्रोमबुक इज बेटर। बट पावर जो है रिलायबिलिटी के मामले में मैं क्रोमबुक ही कहूँगा, बट परफॉर्मेंस वाइज अगर परफॉर्मेंस चाहिए, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, तो आपको अच्छे स्पेसिफिकेशंस वाला लैपटॉप लेना पड़ेगा विच कैन हैव लिनक्स। सो बट आई विल सजेस्ट फॉर टुडेज एज एंड वर्ल्ड, इफ यू आर वॉचिंग मल्टीमीडिया, जो नॉर्मल सब चीज़ें करते हैं उसके लिए क्रोमबुक्स अच्छे हैं, सस्ते भी हैं। अविनाश प्रामाणिक पूछते हैं, टोटल कितने स्मार्टफोन हैं आपके पास? मेरे पास 2 हैं, एक मैं iPhone 14 Pro Max इस्तेमाल करता हूं एंड फोल्डेबल Samsung Galaxy Z Fold 4। लेकिन अच्छा, आप पूछ रहे हो कि ऑफिस में कितने हैं, तो यार 400-500 के करीब होंगे, आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया, 250-300 तो होंगे ही, बट वो सब देने पड़ते हैं वापस, तो धीरे धीरे चले जाते हैं, कुछ कुछ रह जाते हैं, सो दे आर देयर, ऑफिस में हैं, रखे हुए हैं, किसी को दे भी नहीं सकते हैं। ऐसा मत पूछेगा कि गिव अवे कीजिए, नहीं कर सकते हैं, हम लिख के देते हैं कि वो हमारे पास ही होगा, इट इज़ नॉन ट्रांसफरेबल, किसी को नहीं दे सकते, बेच नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते हैं, सो दे आर जस्ट लाइंग देयर। भरत कालिया पूछते हैं, हेलो अरुण सर, वीवो X80 प्रो प्लस कब तक नहीं, मुझे वीवो X80 प्रो प्लस जो है वो कैंसिल हो रहा है, आई डोंट थिंक दे आर गोइंग टू लॉन्च, बट X90 सीरीज जो है वो शायद नवंबर दिसंबर में, एक बार 8 Gen 2 जो है वो लॉन्च हो जाएगा,
जी हाँ, नवंबर में क्वालकॉम लॉन्च कर देगा उसे, उसके बाद में जो भी फ्लैगशिप है बहुत सारे नवंबर एंड दिसंबर में लॉन्च होंगे, उसी टाइम मुझे लगता है वीवो X90 सीरीज भी लॉन्च हो जाएगी। चिन्मोय पूछते हैं, आप बिगिनर टेक यूट्यूबर को क्या कहना चाहोगे और कैसे एक टेक यूट्यूबर काम स्टार्ट करे और कौन सी मिस्टेक्स वो ना करे? देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो आपका कंटेंट होना ही चाहिए, अच्छा होना चाहिए, जो लोगों को देखना है, इट हैज़ टू बी प्रेजेंटेड वेरी नाइस। लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि आप कंसिस्टेंटली मेंटेन कीजिए क्वालिटी आपकी एंड बी पेशेंट। ऐसा होता है कि लोग 10, 15, 20, 25 डाल देते हैं और व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, इसलिए रुक जाते हैं। यू नो, यू आर जस्ट एट एक वीडियो लगता है दोस्तों, जस्ट वन वीडियो एंड यू विल स्टार्ट ग्रोइंग। और लिटरली हमारे 10-12 चैनल से हर चैनल में हमें वो बहुत मुश्किलात आई हुई है, क्योंकि इट टेक्स टाइम, एवरीथिंग टेक्स टाइम। तो आपको कंसिस्टेंटली अच्छी क्वालिटी मेंटेन करनी है, क्वांटिटी मतलब रेगुलरली डालना है। कि आपने कहा है कि हफ्ते में अगर 2 वीडियो डालने वाला हूँ, डालते रहिए एंड यू विल बी सक्सेसफुल। बी पेशेंट, पेशेंस सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अनिल पूछते हैं, कैन 5G बैंड्स बी एक्सटेंडेड थ्रू OTA अपडेट्स? नहीं, अगर बैंड्स होंगे ही नहीं उसके अंदर तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी। लेकिन माधव शेठ जी ने कहा है कि एक OTA अपडेट आने वाला है 5G के पहले, सो लेट्स सी। सो सॉफ्ट लॉक वगैरह कुछ होगा उनमें, बैंड्स ऑलरेडी होंगे बट सॉफ्ट लॉक होगा, उसकी वजह से OTA से वो रिलीज कर देंगे, अनलॉक कर देंगे। बट नो, जनरली 5G बैंड्स कैन नॉट बी एडेड और एक्सटेंडेड थ्रू OTA अपडेट। करण तेजवानी पूछते हैं, हेलो अरुण सर, आई वांट टू नो कि अभी जो ये करंट सेल चालू है अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर, ये 30th September तक है, सो क्या फिर से 30th September से न्यू सेल? नहीं, न्यू सेल इमीडिएटली 30th September से नहीं स्टार्ट होगा, बट फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट का दिवाली सेल 5 तारीख से चालू हो रहा है, सो इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 5th। तो जी हाँ, 5th to 8th, 9th, 3-4 दिनों के लिए होगा। वैसे ही अमेजोन का भी कुछ दिवाली सेल होगा, सो देर बी अ सेकेंड राउंड ऑफ सेल दैट विल हैपन, बट नॉट इमीडिएटली, कुछ दिनों के बाद, सो वेट फॉर दैट। उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स आने हैं, वीडियो लेके आने वाले, इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वैसे #askcorona अच्छा लगता है, लाइक जरूर कीजिएगा, बहुत मजा आता है मुझे आपके सवालों के जवाब देने में। राज खुशवाहा पूछते हैं, BGMI कब तक आएगा, क्या BGMI लाइट भी आ सकता है? कब तक आएगा ये कह नहीं सकते, जब क्राफ्टन उनके सर्वर्स इंडिया में लेके आ जाएगा, देन देर आर चांसेस दैट इट विल कम बैक, बट देखते हैं। आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया, टाइमलाइन कुछ पता नहीं है। सुयोग फरकड़े पूछते हैं, क्या आप मुझे एक अच्छी स्मार्ट वॉच सजेस्ट कर सकते हैं बजट कैटेगरी में जो अमेजोन या फ्लिपकार्ट के सेल में अवेलेबल है? अभी यार सेल तो खत्म हो गया है, बिकॉज 30th September खत्म हो गया, सो दूसरे सेल के लिए रुकिए। लेकिन हमारे वीडियोस देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि डील्स के जो वीडियो आते हैं ना वो देखिए। इनफैक्ट अमेजोन का एक वीडियो हमने कल या परसों ही डाला हुआ है, 2-3 दिन पहले, वो भी देखिए, उसमें कुछ 2-3 स्मार्ट वॉचेस मैंने बताए हुए हैं, सो गो एंड चेक दैट आउट। और इसीलिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि एंड बेल आइकन नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही कुछ अच्छी डील आ जाती है। ट्रैक इन शॉर्ट्स पे भी बहुत डील के वीडियो डाल रहे हैं, ट्रैक इन शॉर्ट्स शॉर्ट चैनल, यस गो एंड चेक दैट आउट। आदित्य मोहपात्रा पूछते हैं, सर कुड यू प्लीज मेक डेडिकेटेड वीडियो ऑन हाउ मच टाइम एंड एफर्ट इट टेक्स टू रेंडर एंड अपलोड अ वीडियो ऑन ट्रैक इन टेक चैनल, व्हाट इज द एवरेज साइज ऑफ वीडियोस, ऑल्सो व्हाट टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस? यार गुड क्वेश्चन आदित्य, क्या कहें, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट हेडेक। आपको पता है कि एक अनबॉक्सिंग वीडियो में जो हमारे बी रोल्स होते हैं, जो शूट होते हैं, वो टोटल कितने होते हैं? टोटल मस्ट बी अबाउट 450 to 500 GB एक वीडियो का। सोचिए, बी रोल, शूट, अलग अलग एंगल्स, सब कुछ मिला के आराम से 450 to 450 GB होता है। हम 10-bit कलर डेप्थ पे करते हैं, तो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है एक वीडियो। अगर सब कुछ मिला के जब एडिट करते हैं और एक वीडियो हम बनाते हैं, तो उसकी साइज़ भी, क्योंकि 4K में करते हैं, उसकी साइज़ भी आराम से 5, 8, 9 GB होती है डेफिनेटली। तो उतनी साइज़ होती है। स्टोरेज में हम NAS इस्तेमाल करते हैं, जो हर महीना हमें अपग्रेड करना पड़ता है। लिटरली मतलब 10 TB तो हमारा हर महीने यूज़ होता है, 10 TB से भी ज़्यादा, 12-15 TB प्रॉब्ली, इतना डेटा हम क्रिएट करते हैं एवरी मंथ। और एक बात कहूँ, ये सिर्फ ट्रैक इन टेक का हो गया, बाकी के जो चैनल्स हैं उनके भी उतने ही हैं, सोचिए, दैट्स क्रेजी इजंट इट। मेरा खर्चा, आधा से ज़्यादा खर्चा स्टोरेज में ही जाता है। हाई सर, आई एम फ्रॉम अबू रोड, सनिध्य हियर, इज देयर डायनामिक नॉच इन अपकमिंग एंड्रॉइड फोन? यार वो एक ऐप है, मैं आईकार्ड में मेरा ट्रैकिंग शॉट्स का डाल देता हूँ, वो ऐप इंस्टॉल कीजिए, किसी भी एंड्रॉइड फोन के ऊपर आपको डायनेमिक आइलैंड जो है ना वो मिल जाएगा। जी हाँ, आजकल ऐप इमीडिएटली आ गए, इमीडिएटली। सुयेश पूछते हैं, अरुण सर एंड इरशाद भाई के लिए एक सवाल, 10th और 12th के मार्क्स क्या थे आपके?
टेंथ में मुझे 81% थे, ट्वेल्थ तो मैंने किया नहीं क्योंकि मैंने डिप्लोमा किया उसके बाद में, सो ट्वेल्थ के मार्क्स तो नहीं बता पाऊंगा, बट टेंथ के तो मेरे कुछ 81-82% थे। जी हाँ, दैट इज़ उसके बाद में मैंने सिविल इंजीनियरिंग लिया, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग गवर्नमेंट कॉलेज में, उसके बाद में फिर इंजीनियरिंग, पूछिएगा मत। एनीवेज, रोहित पूछते हैं, सेल में नहीं लगता है कि MRP ज़्यादा बताते हैं और डिस्काउंट कम देते हैं? ऑब्वियसली मतलब देयर इज नो क्वेश्चन इन इट, वो MRP बढ़ा देते हैं जस्ट टू शो कि 50% 80% डिस्काउंट, लेकिन एक्चुअल जो होता है वो 10-15% से ही सेल में प्राइस कम हो जाती है, MRP में कभी मत जाइए। लेकिन कैसे है, MRP जो बॉक्स के ऊपर होती है वो डाल देते हैं ऐसे ही कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। सो ठीक है, साही वर्षित पांडुगा पूछते हैं, हैव यू एवर थॉट अबाउट शेविंग योर बियर्ड एज वी ऑलवेज सी यू विद बियर्ड? नहीं यार, बियर्ड दैट्स माय सिग्नेचर राइट, सो आई विल नॉट, देखे नेवर से नो, शायद निकाल भी सकता हूं कभी मन में आ जाए तो, यू नेवर नो। आप बताइए नीचे कमेंट्स में क्या करना चाहिए, मैंने डू टेल, आई एम गोइंग टू रीड ऑल दोज कमेंट्स। चलिए दोस्तों, आज का हैशटैग मजेदार था ना, अच्छा लगा ना, लाइक कीजिएगा। आज का हैशटैग आज करूँ एपिसोड नंबर 248 खत्म होता है इधर ही, अगर अच्छा लगा लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं है कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ एंड हैव अ ग्रेट संडे।